आपको शायद याद होगा कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से एक खबर आई थी। सिंधुदुर्ग के जंगल में एक अमेरिकी महिला बंधी हुई हालत में मिली थी। वो महिला खुद को बचाने के लिए चिल्ला रही थी और तब जंगल से गुजर रहे कुछ गांव वालों ने उस महिला को बचाया था। तब उस अमेरिकी महिला ने कागज पर लिखकर बताया था कि करीब 10 दिन पहले उनके पति ने उन्हें जंगल में बांधकर छोड़ दिया था। इस घटना ने स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी हैरान कर दिया था। अब इस मामले में एक नई जानकारी सामने आई है जिसने पूरी घटना को ही पलट कर रख दिया है। दरअसल सिंधुदुर्ग के पुलिस अधीक्षक सौरभ अग्रवाल ने बताया है कि अमेरिकी महिला काई ने अब कहा है कि उनकी शादी ही नहीं हुई है और जब उन्होंने अपना पहला बयान दिया था तब वो किसी भ्रम में थी। काई ने पुलिस को बताया है कि उनके वीजा की अवधि समाप्त हो गई थी और उनके पैसे भी खत्म हो गए थे। ऐसे में वो बहुत परेशान हो गई थी। उन्होंने चेन और ताला खरीदा और जंगल में जाकर खुद को पेड़ से बांध दिया था। 50 साल की ललिता काई का जंगल से रेस्क्यू होने के बाद रत्नागिरी के एक मनोरोग अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस अस्पताल की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर संघमित्रा फुले ने बीबीसी को बताया कि काई का अच्छे से इलाज चल रहा है और उनकी हालत में भी सुधार हो रहा है। She has given her statement to the police. She said that she herself went there and she was under psychiatric this thing illness because she was not getting visa. And she was also taking psychiatric treatment previously. Financial issues were there for her, so she did out of that. डॉक्टर संघमित्रा फुले ने बताया है कि काई के अमेरिका में मौजूद रिश्तेदारों से भी संपर्क हुआ है और वो फोन पर उनसे बात करते हैं। जब 27 जुलाई को काई जंगल में बंधी हुई हालत में मिली थी तब वो बहुत डरी हुई थी और वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। पुलिस को उनके पास से पासपोर्ट की एक कॉपी मिली थी जिससे पता चला था कि वो अमेरिकी नागरिक हैं। उनके पास एक मोबाइल फोन और करीब 31,000 रुपए भी मिले थे।